ये जो आए बैठे हैं 40 चोर, जिनको मशवरा करने के लिए पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं मिलता, और जिसको कहते हैं कि नवाज शरीफ की शीन लीग, ऐसे ही है ना, नवाज शरीफ की शीन लीग, नून तो रही नहीं ना, तो शीन लीग, हम उनसे भी कहते हैं कि आप जब हमारे सामने बैठते हो, जब हमसे बात करते हो, तो कहते हो कि जनाब हम दीन का निज़ाम, आप दीन समझते हैं, हम नहीं समझते, हम तो कौम की खिदमत के लिए आए हैं। तो आपको क्या नज़र नहीं आ रहा कि चोलिस्तान में लोग प्यास से मर रहे हैं, और आप कौमी खजाने में से करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर कर और मुल्की जहाज लेकर काबीना भर कर बाहर लेकर जा रहे हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो यार उन गरीबों को पानी फराहम करो, और चोलिस्तान में डेजर्ट रैली के नाम पर अरबों करोड़ों खर्च करने वाले वो अय्याश, जिन्होंने अय्याशी का सामान करने के लिए वहां पर पूरे पूरे खेमे और बस्तियां बसाई जाती हैं, वो कहां गए हैं सारे अय्याश? कौम को नजर आते जी बाद में, वो चंद लोग हैं, वो भी दीनी लोग हैं जो उनको पानी फराहम करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं, अभी तक और तो कोई नहीं पहुंचा, वो सारे दीन का दर्द रखने वाले हैं, कौम का दर्द रखने वाले, वो सारे लोग उनको पानी फराहम करने के लिए पहुंचे हैं, वो कहां गए अय्याश बदमाश जो वहां पे करोड़ों अरबों रुपए में सिर्फ डेजर्ट रैलियां गाड़ियां भगाने जाते हैं? उनका पैसा क्या अय्याशी के लिए है? उनका पैसा क्या बदमाशी के लिए है? उनका पैसे में से क्या गरीबों का हिस्सा कोई नहीं है कि वो करोड़ों का और अरबों का डीजल वहां लगा आते हैं, रात के खेमे बसते हैं और जो भी करतूत करते हैं उससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन क्या गरीबों को साफ पानी भी नहीं वो दे सकते? क्या उनकी मदद के लिए कोई पानी का इंतजाम भी नहीं कर सकते? भाई मसला ये है कि पानी अगर रुक जाए तो ऊपर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बैठे हों तो वो खत से चल पड़ता है, लेकिन अगर ऊपर ऐसे लाइन बैठे हों, ऐसे कमाश बैठे हों, ऐसे बदकार बैठे हों और ऐसे वो बैठे हों तो पानी जेरे ज़मीन चला जाता है। अल्लाह ताला किसी कौम के ऊपर इतना अजाब नहीं जाता कि वो प्यास से मर जाएं। अल्लाह ताला बारिशें बरसा देता है, वो कहीं ना कहीं रहम कर देता है, लेकिन इस कौम जिसने 70 साल से सूद खाया हो, सूद का निज़ाम चलाया हो, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी की हो और कुफार से दोस्ती की हो, कुरान में अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादु मौलिया बाद, जब अल्लाह ताला कुरान में वाज़े फरमा दे, लेकिन उसके मुकाबले में हम वजीर खारजा बनने के बाद पहला दौरा ही अमरीका का जाना समझें, तो फिर हम क्या समझें? इस मुल्क के बाग दौड़ किन के हाथ में है? इस मुल्क का मुस्तकबिल किसके हाथ में है? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन हैं? वो सारे यही तो हैं जो आप और मेरे सामने फिर रहे हैं। कभी इनका किबला अमेरिका होता है, कभी इनका किबला चाइना होता है, कभी इनका किबला रशिया होता है। इन्होंने बैतुल्ला को कभी किबला माना ही नहीं, इनके दिलों में कभी ईमान उतरा ही नहीं, इन्होंने कभी रब को रब माना ही नहीं, रसूल को रसूल माना ही नहीं, वरना सूद जैसी लानत जिसने आज मुल्की मईशत को, अच्छा जी सारी बातें करते हैं, वो कहते हैं जी मौलवियों ने कख नहीं छोड़ा, अब मुझे बताओ कि मौलवियों ने 200 रुपए का डॉलर किया है? मुल्की मईशत के रिजर्व्स मौलवियों ने खाए हैं, मौलवियों ने सरे माल बनाए हैं, दीनी लोगों ने सरे माल बनाए हैं। इस मुल्क की मईशत के अंदर जितना बेहतरीन किरदार दीनी जमातें और दीनी लोग अदा कर चुके हैं उतना कोई कर ही नहीं सकता, जिन्होंने बगैर किसी फंडिंग के लोगों के बच्चों को तालीम दी है और मुफ्त तालीम दी है और खाना भी दिया है इसी कौम के पैसों से इकट्ठे करके, ना कभी किसी से बाहर मांगने गए हैं, ना कभी किसी के आगे दामन फैलाया है, ना भी कभी किसी को पुकारा है कि आओ हम मर गए, हमसे मदरसे नहीं चलते, हमसे तालीम नहीं दी जाती। आज भी जिसकी सबसे कम तनख्वाह है वो इमाम मस्जिद है, आप पूरे पाकिस्तान में सर्वे कर लें, आज भी जिसकी सबसे कम तनख्वाह है वो मुअज्जिन है मस्जिद का, आज भी जिसकी सबसे कम तनख्वाह है वो, अगर आप उसका सरकारी किसी मुलाजिम से मुवाजना करें तो एक खतीब कम से कम 20वें ग्रेड का अफसर बनता है, मस्जिद का खतीब 20वें ग्रेड का अफसर बनता है। आप पता करके आए कि वो सरकारी आदमी कितनी मरात और कितनी तनख्वाहें ले रहा है, और एक खतीब जुम्मा भी पढ़ाता है, जनाजे भी पढ़ाता है, निकाह भी पढ़ाता है और तमाम मसाइल भी लोगों के हल करता है और सारी चीज़ें हल करता है। क्या हमने पाकिस्तान को बिगाड़ा है? आज कहाँ गए वो जो कहते थे जनाब मईशत के लिए मईशत मईशत? आपने पाकिस्तान को उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप इसके अंदर अगर कोई बेहतरी ला सकता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम ला सकता है, और वो सूद से निजात के बाद आ सकती है,
वो गुनाह उलमा बैठे हैं सारी दुनिया, पूरी दुनिया से पूछो, हर गुनाह की अल्लाह ताला ने सजा रखी है, लेकिन जितनी बड़ी सूद की सजा है उतनी बड़ी किसी की नहीं है। अल्लाह ताला ने सारे गुनाहों के बारे में तफसील दी, लेकिन फरमाया सूद खाने वाला भी, देने वाला भी, लिखने वाला भी, मोमिनत करने वाला भी, इसमें किसी हालत से कोई शरीक हो गया वो भी मरदूद है। ओ पूरा निज़ाम चला के, ओ पूरे मुल्क के अंदर मामलात लिया के, आज असी की घटिया 70 साल तो अल्लाह और उसके रसूल ना जंग। वो कहते जी आप मईशत के लिए क्या करेंगे सबसे पहले आके। मैंने कहा हम सबसे जंग लगा लेंगे अल्लाह और उसके रसूल के सामने सर पर सुजद हो जाएंगे कि या अल्लाह तेरे और तेरे हबीब से जंग हो ही नहीं सकती। 70 साल से हमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग लगाकर इसकी मईशत ठीक करने के लिए अपना पूरा जोर लगा